अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं CS 607 असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। इसके अंदर आप लोगों ने एक ट्री बनाना है और इसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, या तो आप DFS इस्तेमाल करें या फिर आप BFS फॉर सर्चिंग द टारगेटेड नोड। ठीक है, तो ये BFS क्या और DFS क्या है तो मैं आप लोगों को हैंड आउट में दिखा देता हूँ। BFS जो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, ठीक है, और DFS जो है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च है। उससे कुछ रूल होते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च के कुछ होते हैं रूल और ब्रेथ फर्स्ट सर्च के भी कुछ रूल होते हैं, तो उसको फॉलो करते हुए आपने ट्री बनाना होता है। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों को इन दोनों के डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा रूल कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी कह रहे नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 11। ठीक है, आप लोगों को आर से लेकर के तक के जो नोट्स दिए गए हैं वो 11 है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ट्री फॉर पाथ सर्चिंग यूजिंग BFS। ठीक है, अब आप लोगों को इस्तेमाल करना है BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तरीके से होते हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हैंड नोट्स में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये दिया गया है हैंड नोट्स नंबर, पेज नंबर जो 28 पे जाके आप उसको देख लें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक है, तो सिंपल मैं आप लोगों को यहाँ पे देखें, ऊपर यहाँ पे देखें एस दिया गया है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम एस लेंगे तो क्यू में क्या होगा, पहले एस आ जाएगा और विजिटेड में पहले एस आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे आके आप देखें यहाँ पर भी उन्होंने ऐसे ही किया, एस आया, पहले एस ले लिया फिर एस ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पर अगर आप आएँ तो देखें एस हो गया है। ठीक है, एस हो गया है, आप देखें एस हो गया हमारा। अब हम ले रहे हैं, अब हम आ रहे हैं ए बी में। ठीक है, जब हम ए बी में आएंगे तो हमारे पास एस चला जाएगा नीचे। ठीक है, सिंपल से रूल याद रखें आप, ए बी ले रहे हैं तो एस चला जाएगा। देखें ए बी यहाँ आ गया। ठीक है, अभी देखिए तीनों चीज़ें जो हैं एस ए बी ये यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप देखें, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें हमने एस लिया था। ठीक है, तो एस चला गया, ए बी आ गया। अब क्या कह रहे हैं हम लोग, ए लेंगे, जब हम ए लेंगे तो ए चला जाएगा। ठीक है, ए सेलेक्ट किया तो एक बार बी। अच्छा, इसमें रूल क्या होता है, इसमें आपने राइट की तरफ जाना होता है बैट फॉर सर्च में ना, तो देखें तो ए से हम गए बी पे, ए से जब आप हम बी में गए तो हमारे पास सी डी भी आ रहा है, तो ए लिया था हमने तो ए को वाइप कर देंगे तो बी सी डी आ गया हमारे पास। ठीक है, देखें सारे एस ए बी सी डी देख लेते हैं आप, हमने ए लिया था तो बी सी डी आ गया। अब हम जब बी लेंगे तो सी डी, और देखें लेफ्ट तक जा रहे तो सी डी ई एफ आएगा पूरा। ठीक है, तो सी डी ई एफ आ गया और सारे अल्फाबेट तरीके से आ गया। इस तरीके से आपको पूरा स्टेप फॉलो करना है, बहुत आसान है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड आउट में पूरा एंड तक के उन्होंने किया हुआ है, यहाँ तक के। ठीक है, पूरा किया हुआ एंड में आपके पास क्या आ रहा है, यही एच आ रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें एक चीज़। ठीक है, तो हमने करना क्या है, यही करना है कि इसमें आपने को पहले तो टी ड्रॉ करना बहुत आसान है ये आर। ठीक है, आपने टी हैंड आउट्स पर देख लिया है, आर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ए लिखा, फिर हमने बी लिख दिया। अब एक इन जो है वो नीचे क्या है, सी डी है, नीचे क्या है वो ई एफ। इस तरीके से आपने बना लेना, बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3, लेवल 4 है, यहाँ पर दिया भी गया आप लोगों ने लेवल 4 करना है इसको। ठीक है, तो ये लेवल 4 ही है, इस तरीके से हमें समझ में आ गया, हाँ हमने सही बनाया। ठीक है, ठीक है, अब मेन पार्ट जो है वो ये है। ठीक है, इसमें आप देखें इस तरीके से उन्होंने यही किया है, मैं आप लोगों को उसमें दिखा देता हूँ। सके अब देखें यहाँ पर, अब देखें गौर से देखें आप। देखें यहाँ पर क्या है, देखें यहाँ पर है आर, आपने आर पहले ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने आर ले लिया, ये आर आ गया, ये आर आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब पहले हम लोगों ने आर लिया था। ठीक है, आर आ गया, आर आ गया। अब हम लोगों ने ए लेना है, जब हम ए लेंगे देखें यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए बी, ए बी आ गया और पूरा आर ए बी इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक हिंट दे दूँ, इसको आपने याद किस तरीके से रखना है। आप देखें यहाँ पे नोट देखें बी पी, ये देखिए एग्जैक्ट सी सी डी डी ई ई एफ जी एच आई। ठीक है, ये तो आप समझ में आ गए, तो आप लोग गलती नहीं कर सकते इसमें। और सिंपल इस वाले में आपने क्या करना है, इस वाले में समझे आप ये करना है, तो सीक्वेंस सारी उसमें आपके सिर्फ ऐड करना है। देखें सारे देखें ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको सब होगी सिंपल इट्स। अच्छा, मैंने इसको किस तरीके से याद किया, मैं इसको किस तरीके से याद किया है, आपने आर ले लिया, आर ले लिया। अब आप दोबारा सपोज कर लें कि आपने आर लेना है, जब आप आर लेंगे तो फिर आर शामिल नहीं होगा। देखें यहाँ पर भी ये हुआ है कि आर इंक्लूड नहीं हुआ है, और यहाँ पे हमने ए बी ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप आपने ए लेना, जब आप ए लेंगे तो डेफिनेटली फिर ए नहीं आएगा, बी सी डी आएगा। देखें यहाँ पे आपका हमने आर लिया तो आर चला गया, ए बी आ गया। अब हमने क्या किया, ए लिया तो बी सी डी आ गया। ठीक है, हम बी ले रहे हैं तो बी नहीं आएगा तो सी डी ई एफ आएगा, बी पर खड़े हैं तो सी डी ई एफ आएगा। ठीक है, बी पर खड़े तो क्या हुआ, सी डी ई एफ आया। ठीक है, अब जब आप सी लेंगे तो सी पे देखें क्या हो रहा है, डी ई एफ जी एच आ रहा है। तो इस तरीके से हमने जाना एंड तक के, और सारी ये नोट्स वो सारे इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो एंड में देखें, एंड में आप देखें यहाँ पर नोट करें कि आपको जो है आप चाहे तो यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे स्टेप फॉलो करें, मैं हैंड नोट्स में दिखा दूँ। यहाँ पर भी लोगों ने पूरी ख़त्म किया, आप ये देख सकते हैं।
यहाँ पे उन्होंने स्टॉप नहीं किया, पूरा एंड तक के लेके गए, ठीक है, तो आप लोग एंड तक के लेके जाएँ तो बेहतर रहेगा। तो मैंने भी यही किया, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते, बहुत आसान है। अच्छा, नंबर टू में क्या है, कन्वर्ट मेंशन ब्लो ट्री इनटू ग्राफ डायरेक्ट एंड ग्राफ। अच्छा, डायरेक्ट और अनडायरेक्ट ग्राफ क्या होता है ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पर सिंपल सा है, इसमें जो डायरेक्ट ग्राफ होता है, ठीक है, उसमें जो है आपके नोट्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप बड़ा गौर से देखें, ये डायरेक्ट ग्राफ या अनडायरेक्ट ग्राफ है, ठीक है। अनडायरेक्ट ग्राफ हम देखें, यहाँ पर जो देखें आप लोगों को थोड़ी स्क्रीन ब्लर हो रही है, हैंड आउट्स वाला पिक्चर ही ऐसी है, ठीक है, जिसमें देखें इसमें एरो है, ठीक है, इसमें एरो है, ये है आपका डायरेक्टेड ग्राफ, इसकी डायरेक्शन वगैरह भी होती है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, जिसमें कोई एरो नहीं होता, सिर्फ लाइंस है, ठीक है, एड्स होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ग्राफ और अनडायरेक्ट ग्राफ, ठीक है। ये आपने सिंपल से डेफिनेशन इसमें जहन में बिठा ले रही है। तब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू में, हम लोगों को डायरेक्ट ग्राफ दिया गया है, ठीक है, आपको पता चला है डायरेक्ट ग्राफ है, तो देखें यहाँ पे एरो आ रहा है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको अनडायरेक्ट ग्राफ पे करना है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट ग्राफ, अब आप लोगों ने इसको अनडायरेक्ट ग्राफ में करना है। सिंपल सा तरीका क्या है इसके अंदर, मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन भी दी हुई है, और डायरेक्ट ग्राफ इज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट कंटेन ऑर्डर पेयर्स, ठीक है, ऑफ वर्टेसेस। वर्टेसेस मतलब क्या, डायरेक्शन वगैरह हो गए, ठीक है। वाइल एंड अनडायरेक्ट ग्राफ इज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट कंटेन अनऑर्डर पेयर्स ऑफ वर्टेसेस, ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको ऐसे बना बनाना है, इसमें सिर्फ एरो हटा दें, तो आप लोगों को ये असाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।